विभिन्न पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में केमिकल से बन रहे दूध डेयरी पर छापा, भारी मात्रा में निकली नकली सामग्री। विभिन्न देहात थाना क्षेत्र के मानपुरा में केमिकल से बन रहे दूध डेयरी पर डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह के मार्गदर्शन में देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव, उन्हें मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई की। मानपुरा में देवेंद्र नरवरिया और संतोष नरवरिया के यहाँ कई महीनों से केमिकल से दूध बनाया जा रहा था, जिसे डीएसपी अरविंद शाह और देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव ने खाद्य इंस्पेक्टर रीना बंशल को बुलाकर छापा मारा, तो देवेंद्र नरवरिया के यहाँ 5000 लीटर नकली दूध और 300 किलो क्रीम, 100 लीटर घी, 6 बोरी मिल्क पाउडर, 25 डब्बे पाम ऑयल, काफी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया। खाद्य अधिकारी रीना बंशल ने सैंपलिंग लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आज मानपुरा पर देवेंद्र नरवरिया की डेयरी है और उसके पुत्र संतोष नरवरिया के द्वारा और देवेंद्र नरवरिया के द्वारा मिलकर नकली दूध का व्यवसाय किया जा रहा है और नकली दूध मौके पर उनके घर पर तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको दूध को बाजार में खपाया जाता है। यहाँ से लगभग 5000 लीटर नकली दूध मिला हुआ है और नकली दूध बनाने की सामग्री जैसे माल्टोडेक्सिन पाउडर, रेंजी रिफाइंड पाम कर्नल ऑयल और बिलक्रीम रिफाइंड पाम कर्नल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, उसके अलावा रेंजी दूध में मिलाने के लिए शैम्पू आदि सामान मिला हुआ है जो नकली दूध तैयार करने में उपयोग किया जाता है। उस सूचना पर आज हम लोग जो है हमारे CSP साहब, DSP हेडक्वार्टर साहब और मैं थाना प्रभारी देहात अपने बल के साथ खाद्य विभाग की टीम को लेकर वहाँ पहुँचे, तो मौके पर संतोष नरवरिया एवं सर्वेश नरवरिया के यहाँ काफ़ी मात्रा में जो है हमको नकली दूध और घी मिला और जो नकली दूध और घी बनाने की सामग्री भी वहाँ मिली। हमको लगभग 5000 लीटर करीब दूध और 300 लीटर क्रीम एवं हमको 100 लीटर घी नकली मिला है और जो सामग्री में हमको पॉम ऑयल के टीन मिले हैं, सेंजी शैम्पू मिला है और इस तरीके से तमाम जो केमिकल हैं जो दूध बनाने में और घी बनाने में काम आते हैं वो हम लोगों को वहाँ से मिले, जिनको भी हम लोग खाद्य विभाग के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। और भी कहीं चल रही और आगे कट्टा और आगे भी लगातार कार्रवाई चल रही है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, मिलावटखोरों के प्रति इसी तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे। पूर्व में भी मानपुरा में कार्रवाई की गई थी और लगातार दूसरी